धारचूला के सुआ गांव के तोखी में अपने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की शाम रूप सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी खीम का अपने चचेरे भाई देवेंद्र सिंह पुत्र खुशाल सिंह के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद में देवेंद्र सिंह ने रूप सिंह की हत्या कर दी। मृतक के पिता मदन सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट धारचूला कोतवाली में दर्ज कराई थी। कोतवाल कुंवर सिंह रावत की अगुवाई में उप निरीक्षक अम्बी आर्य, प्रदीप कुमार यादव और हेड कांस्टेबल आन सिंह ने आरोपी देवेंद्र सिंह को मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर तपोवन से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लोकसभा सांसद अजय टमटा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में मनरेगा में सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार अवश्य देने के निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में सांसद टमटा ने मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। भारत माला के माध्यम से ग्वालदम से गरुड़ और गरुड़ से बागेश्वर कपकोट होते हुए जल जीवन मिशन, इसकी भी हमारी सैद्धांतिक स्वीकृति आने के बाद विधिवत स्वीकृति की अभी बैठक थी हमारी। उस बैठक में आग्रह किया गया कि हमें तत्काल जल्दी जल्दी पैसा दे दो। तो भारत माला बनने के बाद हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का जो टूरिज्म है वो चार धाम के साथ जो पांचवा धाम हमने कैलाश मानसरोवर धाम के रूप में विकसित किया है और ऐसे ही हमारे अन्य धामों को भी हम लोग यहाँ 12 धाम घोषित कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई 12 धाम होने चाहिए, तो ऐसे सारे धामों में जाकर के लोग उसका लाभ लेंगे। साथ ही कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जो अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं उन्हें बहते जल स्रोत धारों से जोड़ा जाए जिससे कि तालाबों में वर्ष भर पानी रहे। उन्होंने जिले में बंजर पड़ी भूमि पर जड़ी बूटी उत्पादन व पॉपुलर जैसे वृक्षों का उत्पादन मनरेगा व स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आरंभ करने को कहा। बैठक में विधायक डीडीहाट बिशन सिंह चुफाल, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा, जिलाधिकारी रीना जोशी, सीडीओ वरुण चौधरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक बोहरा के नेतृत्व में यंग इंडिया के बोल 3 सीजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल युवाओं को अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। उन्होंने अधिकाधिक युवाओं से इसमें प्रतिभाग करने को कहा। इस प्रकार से मोदी सरकार लगातार चाहे वो युवाओं के का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो और देश के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लगातार दबाने का प्रयास कर रही है और जो इस बात को बोल रहे हैं तो उन पर कई प्रकार की धाराएं लगाकर उनको डराकर धमकाकर उनकी आवाज को चुप कराने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सचिव करण खाती ने कहा कि आज लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस मौके पर प्रणीत मेहर, राजेश शर्मा, मोहित पांडे, संजय कोहली, काजल बसेड़ा, जगदीश धामी, निखिल एरी, चंचल बोरा, धीरज बेरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोनाकोट ब्लॉक के बिलाई गांव के लोग 3 दिन से पानी के लिए परेशान रहे। ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए खुली बैठक में 300 परिवारों से 50-50 रुपए चंदा एकत्र कर बंद पड़ी पेयजल लाइन को खोल पानी की आपूर्ति सुचारू की। ग्राम प्रधान पूजा बोरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नगाड़ा, बिलाई, भमका, भिंड और किमीगेर चिपलकोट पेयजल योजनाओं की सफाई की। 2 दिन तक चले सफाई अभियान के बाद अब गाँव में पानी की आपूर्ति सुचारू हो गयी है। पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बता दें कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत 17 लाख रुपए से सड़क का कार्य हुआ है। पहले यह सड़क पंथूरी तक बनी थी। 3 किलोमीटर बनी इस सड़क के बनने से बोनकोट, तड़ी गांव, लमीचर, पीपलतड़ा, टाकुला और बलतड़ी के गांवों को फायदा मिलेगा।
तहसील सभागार टनकपुर में एडीएम हेमंत वर्मा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजीकृत 23 लोगों की समस्याएं सुनी गई। 19 समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान किसानों ने चंदनी में आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान का मामला उठाया। थालखेड़ा में सड़क निर्माण के लिए तहसीलदार को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम सुंदर सिंह, दीप रजवाड़, तहसीलदार पिंकी आर्या, सीओ अविनाश वर्मा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ऑपरेशन मुक्ति की टीम ने पिथौरागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल मंडप में जागरूकता अभियान चलाते हुए बाल भिक्षा वृत्ति की रोकथाम और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया। साथ ही साइबर क्राइम, बाल विवाह, बाल अपराध, नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी दी। टीम ने बाजार में जागरूकता के लिए पॉम्पलेट चस्पा किए। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।